आज हम सब एक ऐसे कर्मयोगी को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा वानियारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया। श्री राम गोपाल जी गार्ड हमारे बीच में, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य, उनकी सेवा हम सबको स्मरण भी हो रही है और महसूस भी हो रही है। व्यक्ति समाज में रहे, शरीर से रहे न रहे, लेकिन जिसने जीवन भर अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया हो, जिसका जीवन केवल सेवा हो, जो किस तरीके से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, ऐसे कर्मयोगी की हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि उनकी स्मृति ग्रंथ को भी आज विमोचन होने का अवसर प्राप्त हुआ है, ताकि उनके जीवन के कुछ क्षण केवल उनके जीवन को पूरा लिखना पड़ेंगे तो कई किताबें छोटी पड़ जाएगी, लेकिन उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षण है उनको मोहनलाल जी ने कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। वो भी मानते हैं कि उनका एक विराट व्यक्तित्व था, उनका विराट जीवन था। उस विराट व्यक्तित्व जीवन को कभी कलम से लिखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक चित्र देख रहा था, उनकी स्मृति की कुछ झलकें यहां लगी हुई थी, और मुझे पता है कि जब उन्होंने गुर्जर संघर्ष के लिए सबसे पहले जब आंदोलन किया था, आमरण अनशन किया था, और आमरण अनशन के बाद जब पहली मीटिंग हुई थी तो मेरे घर पे हुई थी, आप भी उपस्थित थे, तो मुझे पता था कि कितने वे समाज के लिए समर्पित थे। न पद की लालसा, केवल मेरा समाज जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, मैं कैसे उस समाज को आगे लाऊं। कैसे समाज के नौजवान युवतियों को अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार, अच्छी संस्कृति के माध्यम से उसको अग्रिम पंक्ति पर लाने का काम करूं, क्योंकि जब हम गुर्जर समाज का इतिहास पढ़ते हैं, उनकी विरासत को याद करते हैं, तो इतिहास और विरासत हमेशा वीरता का रहा है।
इतिहास विरासत और विरासत बलिदान की समर्पण की रही है। हम पन्नाधाय का बलिदान को कैसे भूल सकते हैं? इससे बड़ा समर्पण और त्याग क्या हो सकता है? ये समर्पण, त्याग, सेवा इस गुर्जर समाज की हमेशा संस्कृति में रहा है और इसलिए जब आप विरासत को याद करते हो, इतिहास को याद करते हो, तो भगवान देव नारायण जी ने किस तरीके से समाज के कल्याण के लिए समाज में होने वाले अत्याचार के खिलाफ गो माता के लिए उस समय उनका जीवन समर्पित रहा था। ऐसे कितने इतिहास विरासत की कहानी है। जब राजा योद्धा के रूप में, राजाओं की सेना युद्ध के रूप में लड़ती थी, उस समय भी युद्ध में सग्रे अग्रिम पंक्ति पर गुर्जर समाज के लोग रहते थे।